एवरीवन, राधे कृष्णा, राम राम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई, आज की वीडियो है हमारे अलॉय व्हील्स से रिलेटेड, जो कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने अपने अलॉय व्हील्स लगवाए हैं। तो सब लोगों ने अपना अपना फीडबैक हमें दिया, कमेंट्स में शेयर करा। कुछ लोगों ने पसंद करा, कुछ लोगों ने ना पसंद करा, बट इट्स फाइन। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने कमेंट किया और हमारी वीडियो को देखा और इतना प्यार दिया। तो एक बार आप दोबारा से लुक देख लो हमारे अलॉय व्हील्स का और इनका क्या फीडबैक है, कैसा चलाने का एक्चुअली ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, वो तो यही बता सकते हैं, बिकॉज तब से यही ड्राइव कर रहे हैं। जो कंपनी फिटेड थे उसमें भी इन्होंने ड्राइव करा और अभी चेंज कराने के बाद में भी इन्होंने ड्राइव करा है, तो यही बेटर बता सकते हैं आपको। तो हाँ जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो पहले अगर मैं इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अलॉय व्हील के बारे में बताता हूँ कि हमने 20 इंच के अलॉय व्हील लगवाए और उसमें जो टायर लगवाया उससे ओवरऑल जो हमारी प्रोफाइल है उस पर क्या फ़र्क पड़ा है। तो उसके लिए हमें पहले दूसरी स्क्रीन पर जाना पड़ेगा, उस स्क्रीन पर चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं फीडबैक लेने। तो भाई आ गए हैं इस स्क्रीन पे। ऊपर आपने देख लिया, ये दोनों साइज मैंने डाल दिए हैं टायरों के, और नीचे जब हम दोनों साइज के टायर्स को कंपैरिजन करते हैं तो उस पर ओवरऑल क्या चेंजेस आ रहे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें मेजरली डायामीटर पे कोई खास चेंज नहीं हुआ है, विड्थ पे भी 8% यानी कि 0.8 इंचेस का थोड़ा सा फर्क पड़ा है। साइड वॉल है जिसपे सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है, साइड वॉल पे आप देख सकते हो लगभग 1 इंच का फर्क पड़ रहा है। उसके अलावा सर्कमफ्रेंस अगर आप देखेंगे उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, जो कि मेन फैक्टर होता है हमारे जो मीटर रीडिंग का जो एरर आता है। इनफैक्ट ये कम हुआ है 1%, जो कि बहुत ही मार्जिनल है। तो जो एरर आएगी हमारी स्पीड पे वो मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। तो ये था ओवरऑल इसके साइज का डिफरेंस। यही सेम चीज जो कि आप ऊपर देख रहे हैं उसी सेम चीज को आप नीचे इसमें देखिए। इसमें आप अगर देखेंगे तो कोई खास चेंज नहीं आया है, सेम चीज है। जो इसका डायामीटर है वो ऑलमोस्ट सेम है, विड्थ में थोड़ा सा 0.8 इंच का फर्क पड़ा है। अगेन अलॉय ऑफकोर्स 18 इंच से 20 इंच की तरफ चले गए हैं हमारे जो अलॉय हैं। उसके अलावा जो साइड वॉल है डेफिनेटली वही एक फैक्टर है जिसपे सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है, और बाकी अगर आप देखते हैं इसका पैरामीटर तो वो भी कोई खास फर्क उसमें नहीं पड़ा है, जिससे मेनली जो एरर होता है हमारा स्पीड पे वो उसका पता चलता है। तो भाई नीचे चलते हैं अभी थोड़ा सा। ये स्पीडोमीटर का यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि कितना फर्क पड़ेगा, तो अगर आप देखेंगे तो बहुत खास फर्क नहीं है। जो स्पीड है जो मीटर में दिखाएगा, लेट से आप अगर 20 माइल्स पर आवर की स्पीड पे चल रहे हो तो ये 19.8 दिखाएगा, यानी कि जो डिफरेंस आएगा वो बहुत ही मार्जिनल होगा। यही सेम चीज किलोमीटर पर आवर पे भी उतना ही फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर सोच रहे हो कि माइल्स पर आवर दिया हुआ है और किलोमीटर पर आवर पे जो डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है, दोनों में लगभग सेम का ही फर्क पड़ेगा। इसके अलावा एक काम और करता हूं मैं, यही सेम चीज एक बार दूसरी वेबसाइट से जाके चेक करते हैं। तो भाई अब दूसरी वेबसाइट पे आ गए, हमने यही सेम चीज दोनों जो टायर है उनका कंपैरिजन किया हमने विद अलॉय। ये साइजेस हैं यहाँ पर, जो टॉप एंड साइज आता है स्कॉर्पियो एन के अंदर वही साइज लिया है, और जो हमने डलाया वो लिया है। दोनों पे डिफरेंस हम चेक कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो ओवरऑल अगेन जो मेजर इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ पर भी वही दिखा रहा है, साइड वॉल पे, साइड वॉल पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है, और जो बाकी के जो फैक्टर्स हैं उन पे भी हल्का हल्का फर्क पड़ रहा है। बट अगर आप स्पीड कंपैरिजन करते हो नीचे तो अगेन आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप 100 की स्पीड पे चल रहे हो थ्योरेटिकली जो फर्क आएगा वो होगा हमारे बेसिकली 99 पे होगा, लेकिन हमारा मीटर 100 शो करेगा। तो जो मेजर अगर आप देखेंगे, क्योंकि हम ओवरऑल प्रोफाइल चेंज नहीं कर रहे हैं टायर की, ओवरऑल डायामीटर एंड ओवरऑल पेरीमीटर जो है वो सेम ही है, इसीलिए दोनों ही जो मीटर रीडिंग है उस पर कोई खास फर्क नहीं आएगा। तो भाई कंप्यूटर स्क्रीन से अब हम आ गए हैं रियल वर्ल्ड में। यहां पर अगेन मैं आपको ये अलॉय और टायर दिखा दूं। कुछ दोस्तों ने हमसे इसके प्राइस का आइडिया पूछा हुआ था, तो मैं आपको बता दूं जो प्राइस हमारा इसमें आया अलॉय प्लस टायर दोनों का जो हमारा प्राइस आया वो लगभग आया 1,30,000 रुपये का, जिसमें हम लोगों को जो बेनिफिट मिला अपने जो टायर हमने वापस किए उनकी कीमत पर सेट जो थी वो 8,000 रुपये की लगाई थी।
तो जो ओवरऑल प्राइस मेरा पड़ा मेरे खुद के टायर देके, जो कि मैंने खुद के नहीं स्कॉर्पियो एन के जो टायर थे जो हमने वापस किए वो 32,000 के उन्होंने लिए, तो जो प्राइस डिफरेंस आया जो कि मैंने पे किया दैट वाज 98,000 रुपीज़, ऑलमोस्ट 1,00,000 रुपये का खर्चा आया और ये टायर लगवाने में। अब आप देख सकते हो कि ये कैसा है। थोड़ा सा कुछ दोस्तों ने पूछा था कि क्या इसके टायर जो हैं वो बाहर आ रहे हैं, तो हाँ भाई ये देख लो थोड़ा सा बाहर आ रहा है, और भाई ओरिजिनल टायर वही मेंटेन किया है जो हमें कंपनी से मिलता है। भाई अब हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर एंड ही इज ड्राइविंग, तो भाई बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा है, क्या आपको चेंजेस फील हुए आफ्टर अलॉय, स्टीयरिंग फीडबैक क्या है? एक मिनट मैं एसी एडजस्ट कर लूं। हाँ तो देखो जो हमने लास्ट टाइम जो फीडबैक दिया था, लास्ट टाइम जो हमने रिव्यू किया था उसी पॉइंट्स को लेकर हम चलेंगे ताकि लोगों को क्लैरिटी रहे। अगर किसी ने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज यार एक बार देख लेना, तो आपको एक्चुअली समझ में आएगा जो हम रिव्यू इस वक्त कर रहे हैं आफ्टर चेंजिंग आर अलॉय व्हील टू 20 इंच, तो क्या कुछ डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि काफी फेमस यूट्यूबर हैं, उन्होंने बोला था कि भाई उन्होंने अपनी गाड़ी में बाहर से अलॉय और टायर वगैरह लगवाए हैं, तो उनका जो रिव्यू था वो अलग था और जो कंपनी फिटेड आए थे टायर उसमें हमारा रिव्यू जो था वो अलग था। अभी हमने भी टायर चेंज कराए हैं, अलॉय लगवाए हैं, तो अभी हमारा क्या रिव्यू है वो उनके साथ में तालमेल खाता है या फिर बिल्कुल चेंज होता है तो आगे ही पता चलेगा। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखना। हाँ जी, तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग फीडबैक से। तो क्योंकि हमने जो अलॉय व्हील लगवाए हैं वो 20 इंच के हैं और जो हमारा टायर की जो विड्थ है वो भी बढ़ गई है। पहले जो हमारी टायर की विड्थ थी वो 245 थी और अब जो हमारे टायर की विड्थ है वो 275 है। तो क्योंकि जो विड्थ है वो बढ़ गई है तो जो स्टीयरिंग है उसमें हल्का सा भारीपन आया है। मैं बोलूंगा कि अगर कोई नया आदमी आके बैठ के इसको चलाता है तो वो यही बोलेगा कि इसका स्टीयरिंग बहुत लाइट है, लेकिन मैं पहले वो 245 प्रोफाइल वाले टायर चला चुका हूं तो मुझे जरूर डिफरेंस फील हो रहा है कि हाँ जो स्टीयरिंग है उसमें हल्का सा भारीपन आया है, बट एट द सेम टाइम बहुत स्टडी फील होने लग गया है। मुझे लगता है कि हाई स्पीड्स पे जो परफॉर्मेंस 245 पे हमें फील होता है उससे बेटर इसमें फील होगा, क्योंकि जो स्टीयरिंग है वो थोड़ा सा और स्टेबल और हल्का सा भारीपन इसमें आ गया है। तो भाई दूसरी चीज आती है, क्योंकि हमने टायर अगेन जो चेंज कराए हैं वो पहले 245 65 R17 थे, तो जो साइड वॉल थी वो काफी ज्यादा थी। अब जो हमने लगाए हैं 275 45 हैं, जिसमें साइड वॉल जो है वो काफी छोटी हो गई है, तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है? उसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि जो रोड पे गड्ढे होते हैं उनका जो फील है, जो अंदर कैबिन के अंदर जो फील है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। आई विल से 5%, उससे ज्यादा नहीं, पहले भी आ रहा था हल्का फुल्का। अगर हम 10 पॉइंट्स की रेटिंग रखे तो आप कितना रेट करोगे इस चीज में? मैं बोलूंगा कि 9 out of 10, पहले के मुकाबले थोड़ा सा फर्क पड़ा है कि जो आपको गड्ढे वगैरह थे वो थोड़े से ज्यादा फील हो रहे हैं अब गाड़ी के अंदर एज कम्पेयर टू बिफोर। और स्टेयरिंग को क्या रेटिंग चाहिएगी? स्टेयरिंग का 10 out of 10 दूंगा मैं, बिकॉज स्टेयरिंग ऐसा नहीं है कि बहुत टाइट हो गया या बहुत हार्ड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, हल्का सा जो वेट है वो फील हो रहा है इसके अंदर, और वो जो है मेरे ख्याल से हाई स्पीड स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। वो भी आपको इसलिए फील हो रहा है क्योंकि आपने पहले चलाई है तो आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। एब्सोल्युटली, अगर कोई दूसरा बंदा आके बैठे और इसको चलाए वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा भाई, उसको लगेगा कि नहीं दिस स्टीयरिंग इज वेरी लाइट एंड इजी टू हैंडल। दूसरी चीज जो है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपने अगर देखा होगा तो मैंने बताई थी कि जो रोड नॉइस है वो अंदर आ रही थी, तो वो रोड नॉइस में बहुत बड़ा फर्क है भाई, जो बहुत साइलेंट हो गया कैबिन कंपेरेटिव टू बिफोर। एग्जैक्टली, पहले तो ऐसा लग रहा था हम लोग चेक करते रहते थे कि कोई विंडो तो ओपन नहीं है, सनरूफ तो ओपन नहीं रहेगा, इतनी नॉइजी रहता था बहुत ज्यादा, बट अब इतना नहीं है, पहले से बहुत कम है, बट डीजल गाड़ी है तो इतना तो होगा भाई। रोड नॉइस इतनी कम हो गई है कि अब ऐसा लगता है कि इंजन नॉइस ज्यादा है। एग्जैक्टली, तो इंजन की नॉइस जो है वो आ रही है, काफी एविडेंट है, वो पहले भी थी अभी भी है, और टायर नॉइस कम होने के बाद में तो वो थोड़ा और ज्यादा फील हो रही है। स्पेशली अगेन इंजन नॉइस जो है वो लो आरपीएम पे थोड़ा ज्यादा फील होती है, बट जब आप हाईवे पे चल रहे हो तो वो इंजन नॉइस भी जो है वो काफी हद तक कम हो जाती है, और टायर जो है हाईवे पे बड़े शांत
अगर आपका बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे बना हुआ है ना, उस पे जो आपको मजा आने वाला है इन टायरों के साथ में, मक्खन की तरह जाती है, मजा आ जाएगा एकदम। तो भाई नेक्स्ट चीज आती है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग पे क्या फर्क पड़ा, तो ब्रेकिंग के लिए हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, कोई जगह ढूंढते हैं जहां पर हम लोग थोड़ा सा तेज चला सकें गाड़ी को और अपने ब्रेक्स को टेस्ट कर सकें। हालांकि मैं पूरी टेस्टिंग कर चुका हूं, बट फिर भी वीडियो में आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको भी एक फील आए कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो एक जगह ढूंढ लेते हैं क्विकली, हवा में नहीं कह रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा है, इसलिए आपको दिखाने के लिए वो चीज टेस्ट कर रहे हैं। बाकी हम तो मतलब एक्चुअली लगभग 600-700 किलोमीटर चलाकर लाए हैं, तो हर स्पीड पे टेस्टिंग हो चुकी है, हर पैरामीटर पे ये बिल्कुल खरे उतरे हैं। तो ये जो चेंजेस हैं, इस चेंजेस के बाद में भी गाड़ी हम 600-700 किलोमीटर चला चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमने मतलब टायर चेंज कराए और अलॉय चेंज कराए और आपको फीडबैक देने लगे। हमने इसकी काफी टेस्टिंग करी है, अलग अलग रस्तों पे चलाया है, उबड़ खाबड़ रस्तों पे चलाया है, और तब जाके हमने जो कंक्लूजन्स हैं वो लेके आए हैं आपके पास। तो वही अब हमको ये स्ट्रेच मिल गया है जहाँ हम थोड़ी सी स्पीड ले सकते हैं अपनी गाड़ी की और ब्रेक की टेस्टिंग कर सकते हैं। As you तो पहले see, मैं एक्सलरेट कर रहा हूँ और हम 80 से ऊपर की स्पीड लेके देखते हैं। और ये हमारी जो गाड़ी है वो 80 की स्पीड पे पहुंच गई है, 80 क्रॉस। अब मैं ब्रेकिंग करूंगा, आप देखिएगा कैसा परफॉर्मेंस है। सो भाई ये था ब्रेकिंग का, परफेक्ट ब्रेकिंग थी, बिल्कुल गाड़ी इधर उधर नहीं गई, बिल्कुल स्टेबल रही, और हजार्ड लैंप भी ऑन हो गए क्योंकि इमरजेंसी ब्रेकिंग की। तो ब्रेकिंग पे जीरो इफेक्ट है, अलॉय चेंज करने से पहले और बाद में कोई फर्क नहीं पड़ा है, स्टेबिलिटी वही है गाड़ी के अंदर, कोई इश्यू नहीं आ रहा है। तो ये जो ब्रेकिंग का पॉइंट है इसमें भी 10 out of 10। तो भाई लास्ट पॉइंट है कि भाई जब हमारी गाड़ी हाई स्पीड पे चल रही होती है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी इधर उधर जा रही है, कुछ बैलेंसिंग में या अलाइनमेंट में कोई इश्यू लगता है? तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, आराम से 100-110 की स्पीड पे मैंने इसको चलाया है हाईवे पे, और इस वक्त भी मैं देखा था तो ये मैंने 80 की स्पीड जो है टच कर ली है, तो 80 की स्पीड पे ये आराम से चल रही है, कोई इशू नहीं है, ना गाड़ी इधर जा रही है ना उधर जा रही है। अगेन जो अलाइनमेंट और बैलेंसिंग वाली बात है, हालांकि इसको अभी और चलना बाकी है, थोड़ा सा टायरों को और चलने दो, मेरे ख्याल से 1000-2000 किलोमीटर तो और अच्छा पता चलेगा, बाकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग से भी कोई इशू नहीं है। वी आर फुली सेटिस्फाइड। फाइनल एक चीज रह गई कि इसमें जो स्टेयरिंग का जो बता रहे थे कि फीडबैक चेंज होता है, तो आप देख सकते हो मैं बहुत लाइट जो है वो कर रहा हूँ, और वो पूरा इम्पैक्ट जो है गाड़ी के अंदर आ रहा है, इनफैक्ट पहले से ज्यादा आ रहा है। जो स्टेयरिंग का जो फीडबैक था वो इम्प्रूव हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा भी हिलाने से हो रहा है। ये मैं लो स्पीड पे कर रहा हूँ, इनफैक्ट अगर मैं 80 की स्पीड पे भी करता हूँ तो भी जो फीडबैक है वो अच्छा रहता है। हल्का सा प्ले जो मैंने लास्ट टाइम बताया था वो प्ले अभी भी है, और दैट इज सफिशियंट, आई थिंक वो होना चाहिए। तो ऑल गुड ऑन द स्टेयरिंग साइड ऑल्सो। तो भाई इसमें एक चीज और दिखा दें आपको, तो भाई वैसे तो YouTube पे ऐड आते हैं, Instagram पे ऐड आते हैं, सब जगह ऐड चल रहे हैं, तो भाई अपनी स्कॉर्पियो एंड ऐड चलाने में पीछे कैसे रह सकती है। तो भाई इसमें लिख के आया मैन्युफैक्चरिंग अपडेट करके, हमने उसको ओपन किया तो हमें ये भाई वीडियो ऐड आ गया, और इसको हम यहाँ से चला सकते हैं। तो देखते हैं क्या दिखाता है ये वीडियो ऐड में। तो ये नेट स्लो है यहाँ पर, इसलिए घूम रहा है। तो ये अपना एड जो है स्कॉर्पियो एंड का ही एड दे रहे हैं, रेडी टू अनलीश द पावर। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमारी गाड़ी पूरी रात बारिश में खड़ी रही थी और सनरूफ लीक नहीं हुई है, वो भी सब अफवाह थी मुझे ऐसा लगता है, या फिर ये कह सकते हो कि भाई हर गाड़ी अलग अलग होती है, किसी में कुछ दिक्कत हो सकती है किसी में नहीं हो सकती है, तो भाई हमारी गाड़ी की सनरूफ जो है ना वो क्या लीक पता नहीं भाई हुई। अगले की गाड़ी में परेशानी हो यार, तुम क्या बात कर रही हो? नहीं मतलब हो सकता है कि बंदे का, और वो है कि हाँ वो थोड़ा सा हैंडल करने का तरीका, सबका अपना अपना हैंडलिंग अलग अलग होता है भाई। और मतलब मैं तो एक अपडेट दे रही हूँ कि पूरी रात बारिश में खड़ी थी बट सनरूफ नहीं टपकी, क्योंकि इसमें बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी भाई। गाड़ी हमारी ओपन में खड़ी होती है और कल पूरी रात बारिश हो रही थी, बहुत बढ़िया मौसम था यहाँ ग्रेटर नोएडा में, और ऐसा कुछ हमें इसमें देखने को मिला नहीं। ऑल गुड।
और पता है जब हमारी स्कॉर्पियो आने वाली थी ना, ये बात मतलब एक्चुअली बताने वाली नहीं है बट स्टिल आप भी हमारी फैमिली है, तो सबको ये था जब वो कंट्रोवर्सी हुई ना तो लोग हमें उसकी ना क्लिप्स भेज रहे थे, पता है उस गाड़ी की सनरूफ टपकती है चेक करके लेना, उस गाड़ी की सनरूफ टपकती है, तो मैं उनको भी ये अपडेट दे रही हूँ कि हमारी गाड़ी की सनरूफ टपकी नहीं, पूरी रात बारिश में थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताना ना भूलें। और अब हम बहुत जल्दी ही अपनी ट्रिप प्लान करने वाले हैं जिसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, बहुत मस्त वीडियो आने वाली है, मस्त एडवेंचर्स आने वाले हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।